206 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी दी कुल, उसमें से 194 सिख मां की कोख से पैदा हुए थे, इससे बड़ा बलिदान क्या होगा। मैंने अपनी कविता में कभी कहा था, एक से कटाने 125,000 शत्रुओं के सर, गुरु गोविंद ने बनाया पंथ खालसा, पिता और पुत्र सब देश में शहीद हुए, नहीं रही सुख साधनों की कभी लालसा, जोरावर फतेह सिंह दीवारों में चुने गए, जग देखता रहा था क्रूरता का हादसा, चिड़ियों से बाज को लड़ा दिया था गुरुजी ने, मुगलों के सर पे जो छा गया था कालसा, चरणजीत चरण को। आप सब पहली बार इस कविता को सुनेंगे कि शब्द पहनकर सुर के गहने आगे बढ़ता रहता है, शब्द हमारे अंतस में संबोधन गढ़ता रहता है, शब्द हमारी दो आंखों से बहता खारा पानी है, शब्द अगर सच हो जाए तो पूरी एक कहानी है। कि शब्द अगर सच हो जाए तो पूरी एक कहानी है, कि एक शब्द वंदे मातरम जन जन में जोश जगाता है, कि एक शब्द है इनकलाब जो क्रांति सूत्र बन जाता है, कि एक शब्द भी विश्व युद्ध आहुति बना है कभी कभी, एक शब्द भी विश्व शांति की युक्ति बना है कभी कभी, और कभी कभी संपूर्ण ग्रंथ में, कि कभी कभी संपूर्ण ग्रंथ में शब्द कहीं खो जाता है, कभी कभी आवाज बिना भी शब्द पूर्ण हो जाता है। वाह वाह वाह। कभी कभी आवाज बिना भी शब्द पूर्ण हो जाता है, कि शब्द सार है टूटे दिल का, शब्द हृदय की पीड़ा है, शब्द भाव का एक तारा है, शब्द प्रेम की वीड़ा है, शब्द भाव का एक तारा है, शब्द प्रेम की वीड़ा है, कि शब्द ब्रह्म है, शब्द सनातन, शब्द अनादि, शब्द अनंत, शब्द शून्य है, शब्द नाद है, शब्द दिव्य है, शब्द दिगंत। कि आओ आओ हम सब करें शब्द का हृदय से चंदन वंदन, मैं बोलूं तुम ताल उठाओ हो शब्दों का अभिनंदन, मैं बोलूं तुम ताल उठाओ हो शब्दों का अभिनंदन। कविता का जब भी इतिहास, कवि सम्मेलन का इतिहास जब लिखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो चार पंक्तियां मैं निवेदित करता हूँ आदरणीय मित्तल जी के लिए, कि कुछ लोगों की दूरी खुशबू देती है, कुछ लोगों का पास महकता रहता है। कुछ लोगों की दूरी खुशबू देती है, कुछ लोगों का पास महकता रहता है, और कुछ लोगों के दुनिया में आ जाने से सदियों तक इतिहास महकता रहता है। वाह 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 वाह। कुछ लोगों के दुनिया में आ जाने से सदियों तक इतिहास महकता। मैं और चार पंक्तियां महाराज अग्रसेन को समर्पित कर, कि जोड़ के करोड़ों धनवान बन सकता है, टूटते दिलों का अरमान नहीं बनता, कि जोड़ के करोड़ों धनवान बन सकता है, टूटते दिलों का अरमान नहीं बनता, और बांट ले किसी के कोई बेशक हजार गम, पर अधरों की मुस्कान नहीं बनता, कि दुनिया जहां की नजरों में एक पहचान, बनके मां भारती की शान नहीं बनता। और अगली पंक्ति पर आपके हाथ उठें, कि बनके मां भारती की शान नहीं बनता, और जिंदगानी मांगती है बलिदान यूं ही कोई, महाराज अग्रसेन सा महान नहीं बनता, महाराज अग्रसेन सा महान नहीं बनता। मैं सीधे सीधे चार पंक्तियां निवेदित करता हूं, 5 वर्षों का इतिहास 4 पंक्तियों में आपके बीच रखता हूं, आपको लगे कि बात सही है, तथ्यात्मक है, तो फिर आप कैसे ने आपका आशीर्वाद मंच तक आए। मैंने भी वेद उपनिषद पुराण गीता ज्ञान दे के दुनिया को जीवन का सार समझा दिया, कि वेद उपनिषद पुराण गीता ज्ञान दे के दुनिया को जीवन का सार समझा दिया, और कर्म का सिखाया मर्म और धर्म युद्ध लड़ा, योग से भगाए कैसे रोग बतला दिया, के फिर भी जो कोई पूछता है तो बताओ उसे आधुनिक भारत ने दुनिया को क्या दिया। और अगली पंक्ति पर फिर आपका स्नेह मांगता हूं, कि आधुनिक भारत ने दुनिया को क्या दिया, कि चंद्रमा के दामनों में ढूंढ लिए जल शोत, मंगल पे हमने तिरंगा फहरा दिया, मंगल पे हमने तिरंगा फहरा दिया, के शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी, सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए, के शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी, सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए, और छूना चाहते हो जिंदगी में जो बुलंदियां, तो अपने बुलंद पहले अरमान कीजिए, कि अपने बुलंद पहले अरमान कीजिए, के धन और मन का समर्पण काफी नहीं, जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए, कि जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए, और देश की अखंडता अस्मिता बचानी है तो देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए, देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए, कि पूरा कश्मीर भारत से छीन लेंगे हम, पाक की फजा में घोल के सवाल चुप है,
कि पूरा कश्मीर भारत से छीन लेंगे हम, पाक की फजा में घोल के सवाल चुप है, और तेज आंधियों में किसी जलते पतंगे जैसा जो हुआ था चंद लम्हों को लाल चुप है, के जाने क्या कमाल कमाल हुआ है कि सरहद पार बोलता नहीं है कोई फिलहाल चुप है। और अगली पंक्ति पर फिर आपका स्नेह मांगता हूं कि बोलता नहीं है कोई फिलहाल चुप है, और बोलियों का जब से दिया जवाब गोलियों से, जाने किस बिल में छुपा बिलाल चुप है, जाने किस बिल में छुपा बिलाल चुप है। और यह स्थिति देश में आई क्यों है कि भारत में लोकतंत्र की है दास्ता, अजीब कोई पास और कोई फेल मिल गया है, के भारत में लोकतंत्र की है दास्ता अजीब, कोई पास और कोई फेल मिल गया है, के रंग से मिला है रंग और उमंग से उमंग, भावनाओं से भी कभी मेल मिल गया है, के पर सदियों के तप का ये फल दुश्मनों डालेगा जो आपको नकेल मिल गया है। ये पंक्तियां मैंने 2 साल पहले लिखी थी, लेकिन पिछले महीने ये साबित हुई कि डालेगा जो आपको नकेल मिल गया है। और अगली पंक्ति पर आप सहमत हो तो ही तालियां बजाइएगा, कि डालेगा जो आपको नकेल मिल गया है, कि वार का जवाब तो प्रहार से मिलेगा, क्योंकि भारत को दूसरा पटेल मिल गया है, भारत को दूसरा पटेल मिल गया है। बताता हूं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से क्या कहा, कि जान किस बुरी घड़ी में हुआ जन्म, तेरा कुंडली में कोई अभिशाप बैठ गया है, कि जान किस बुरी घड़ी में हुआ जन्म, तेरा कुंडली में कोई अभिशाप बैठ गया है, और बार बार कुट पिट के भी मानता नहीं है, तेरी तकदीर में विलाप बैठ गया है, कि बेहतर है कि ठीक से इलाज करवा तू, रग रग में जो तेरी पाप बैठ गया है। और अगली पंक्ति पर एक भी हाथ खामोश ना रहे, कि रग रग में जो तेरी पाप बैठ गया है, और पाक से कहा है अमेरिका ने सुधर जा तू, दिल्ली की गद्दी पे तेरा बाप बैठ गया है, दिल्ली की गद्दी पे तेरा बाप बैठ गया है। मित्रों, उन अनाम शहीदों को 2 छंद निवेदित करना चाहता हूं जिन्हें किताबों के बरक नसीब नहीं हुए, और उन शहीदों की संख्या है 7.5 लाख। कि कर के तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया, कि कर के तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया, और दे दी गुलशन को लहू की हर एक बूंद, और हर एक गुलखार से बचा लिया, कि जीवन के सारे वैभव को तज दिया, पर नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। और अगली पंक्ति पर फिर आपका स्नेह मांगता हूं कि नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया, कि शत शत वंदन नमन ए शहीदों तुम्हें, देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया, देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया। के कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला, के कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला, और कितने जिए थे और कब हो गए शहीद, कईयों की उम्र का हिसाब भी नहीं मिला, कि कोई शिलालेख किसी गुम्मद पे नाम नहीं, कि कोई शिलालेख किसी गुम्मद पे नाम नहीं, और कोई वर्क किताब भी नहीं मिला, कि आओ एक बार उनको भी तो करें नमन, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला। सीधे गीत भगत सिंह को समर्पित करना चाहता हूं। गीत की भूमिका इतनी सी है कि भगत सिंह को फांसी होने वाली है, और फांसी से कुछ क्षण पे सारे बंधन कटने वाले थे, दाग गुलामी के सब हटने वाले थे, अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दाग गुलामी के सब हटने वाले थे, होठों पर आजादी का पैमाना था और
और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। मौत भगत सिंह से पहला प्रश्न करती है कि जब तू घर से निकला तो क्या घर में कोई रोकने वाला तुझे नहीं था? भगत सिंह जवाब देते हैं कि सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने, बंद कर दिए गए दर में रुका नहीं। कि सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने, बंद कर दिए गए दर में रुका नहीं। और खोल दिए अशकों के द्वार कई अधरों ने, बापू ने दिखाई थी नजर में रुका नहीं। कि बेबस हुए जो फूल बेरियों ने थाम लिया, मेरे जज्बों का हाथ पर मैं रुका नहीं। और मुझे हर क्षण मेरी मंजिल पुकारती थी, मेरा कहीं और था सफर में रुका नहीं, मेरा कहीं और था सफर में रुका नहीं। कि देखा था बोझिल नैनों से पनघट ने, पीपल ने क्रंदन कर पात गिराए थे, पैरों में यादों की बेलें लिपट गई, रुकने को तो एक से एक बहाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। मौत भगत सिंह से दूसरा प्रश्न करती है कि तेरी उम्र कहीं मोहब्बत करने की थी, तुझे किसी हीर का रांझा होना चाहिए था, जीवन के उस सारे वैभव को छोड़कर तू चला आया। भगत सिंह जवाब देते हैं, लेकिन जवाब देने से पहले कुछ क्षण सोचते हैं कि देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, भारत माँ के चेहरे पर एक पीर दिखाई देती है कि ओढ़ रखे हैं आंखों ने मंजर हर ओर उदासी के, ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है। और उसके बाद जवाब देते हैं कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। और किस किस को हृदय की वेदनाएं बतलाता, मोहलत मुझे बस घड़ी दो घड़ी मिली। कि मन की कराहटों को कैसे मिलता सुकून, जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली। और बेड़ियां प्रलोभनों की कैसे रोकती कदम, मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली, मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली। कि दीप दिवाली के होली के रंगों ने करी याचना बचपन भरी पतंगों ने, कि बैसाखी के ढोल फजा में गूंजे थे, मन का क्या किस दरिया में बह जाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। गीत का तीसरा बंद, मौत भगत सिंह से प्रश्न करती है कि आजादी की लड़ाई को लड़ने के और भी तरीके हो सकते थे, तूने आते ही असेंबली पे बम फोड़ दिया। भगत सिंह जवाब देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बंद आपके बीच प्रस्तुत करता हूं, सुनेगा पूरे मंच का, इसने मांगता हूं सुनेगा। स्वागत। के भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी, तो पलकों की पोर को निचोड़ना पड़ा। के भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी, तो पलकों की पोर को निचोड़ना पड़ा। और चीख जब मन की सुनी नहीं गई, तो फिर मजबूर तन को भी मौन तोड़ना पड़ा। कि वैभव विलास वासना वे भोग के नशे में, कि वैभव विलास वासना वे भोग के नशे में, चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। और अगली पंक्ति पर आपका भरपूर स्नेह, कि वैभव विलास वासना वे भोग के नशे में, चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। और जब कोई और राह दिखलाई नहीं दी, तो मुझको असेंबली पे बम फोड़ना पड़ा, मुझको असेंबली पे बम फोड़ना पड़ा। कि पानी पहुंचाना था कितनी प्यासों को, खुशियां देनी थी मन के संतरासों को। कि मैं कांटों पर उपवन लिखने निकला था, खुद के नाम अधूरा एक अफसाना था, पर
पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। वो अंतिम बंद की भूमिका में पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने अपने संगत की ओर इशारा किया और कहा कि इन पुत्रन के वास्ते वार दिए सुत चार, चार मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। वाह वाह वाह। अंतिम बंद गीत का निवेदित करता हूं, सुनिए कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। और जब एक एक सांस दांव पे लगी हुई है, तब दिल में ये भाव कोई भूल नहीं की कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और अगली पंक्ति पर जितना इसने जितना आशीर्वाद दे सको दीजिएगा कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और गुरु गोविंद से जाकर बताएंगे ये, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की। कि शत शत वंदन नमन तुझे ए भारत मा, रंगना था बासंती तुझको इसीलिए, खेतों में मैंने बंदूकें बोई थी, जहनों में मुझको बारूद उगाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। बहुत बहुत